तो ये देखो भाई, अपने जो साइप्रस वाइन थी ना, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग साइप्रस वाइन के साथ में, और आज उसकी सफाई हो गई, उसके अंदर भी पेड़ पौधे लगेंगे। और ये देखो, मैडम ने लुक ही चेंज कर दिया घर का। कल के दिन में और करेंगे अब ये तो। बेल यहाँ चढ़ा दी ठेठ ऊपर तक, इधर से एक इस कोने से ये मोगरा चढ़ाई जाएगी, और फिर ये जो बेल है ये, हाँ ये चढ़ाई जाएगी यहाँ पर। और ये कौन सी है, नाम मेरे को याद नहीं है भाई, देख ना माने ना मेरे को। देख लेना। फिर मोगरा की तरफ और रसोई का गेटकन, हाँ ओके वो हटा देंगे। हाँ हाँ ओके एक ये रसोई के गेट के पास मोगरा बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये हटा देंगे, यहाँ पे भी वो लगाएंगे, और फिर तो बस मजे की बात ही हो जाएगी पूरी। जो देखे ना डोर चेक कितना बढ़िया तैयार हो गया। डोर बेल लागी नहीं जानी शायद। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कितनी तैयार हो जाएंगे मान लो? नहीं आप तैयार हो ना, क्रीम लिपस्टिक फेरम लोली लगा मैं मम्मी लोगे, रोला बढ़िया करेगी। मम्मी मैंने चुन्नी दी थी, मैं चुन्नी में पाड़ी थी जाके। यही काम करोगा और क्या करोगा। मम्मी रोला मत करियो, वीडियो देख देखो रहा होगा। मम्मी वीडियो देखा है फिर रोला करेगी। ये ना दिखाई बिच्छू पट्टी लगाई काल गेट में उरे, देखो कितनी भर दिया गमला। वो 3-4 भर भर के लगा दिया। बहुत बढ़िया काम करो, बहुत ही बढ़िया, वाह जी वाह। एक मोगरा इधर। तो ये देखो भाई, अपने जो साइप्रस वाइन थी ना, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग साइप्रस वाइन के साथ में, और आज उसकी सफाई हो गई, उसके अंदर भी पेड़ पौधे लगेंगे। और ये देखो, मैडम ने लुक ही चेंज कर दिया घर का। कल के दिन में और करेंगे अब ये तो। बेल यहाँ चढ़ा दी ठेठ ऊपर तक, इधर से एक इस कोने से ये मोगरा चढ़ाई जाएगी, और फिर ये जो बेल है ये, हाँ ये चढ़ाई जाएगी यहाँ पर। और ये कौन सी है, नाम मेरे को याद नहीं है भाई, ना माने ना मेरे को। देख लेना। फिर मोगरा की तरफ और रसोई का गेटकन, हाँ ओके वो हटा देंगे। हाँ हाँ ओके एक ये रसोई के गेट के पास मोगरा बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये हटा देंगे, यहाँ पे भी वो लगाएंगे, और फिर तो बस मजे की बात ही हो जाएगी पूरी। जो देखे ना डोर चेक कितना बढ़िया तैयार हो गया। डोर बेल लाग दी नहीं शायद। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कितनी तैयार हो जाएंगे मान लो? नहीं आप तैयार हो ना, क्रीम लिपस्टिक फेरम लोली लगा मैं मम्मी लोगे, रोला बढ़िया करेगी। मम्मी मैंने चुन्नी दी थी, मैं चुन्नी में पाड़ी थी जाके। यही काम करोगा और क्या करोगा। मम्मी रोला मत करियो, वीडियो देख रहा देखो होगा। मम्मी वीडियो देखा है फिर रोला करेगी। ये ना दिखाई बिच्छू पट्टी लगाई काल गेट में उरे, देखो कितनी भर दिया गमला। वो 3-4 भर भर के लगा दिया। बहुत बढ़िया काम करो, बहुत ही बढ़िया, वाह जी वाह। एक मोगरा इधर। तो जी गुड मॉर्निंग सबको बोल दिया है, और मेरे को ना मोगरे की खुशबू सबसे अच्छी लगती है। अब दोबारा इस बार जो सावन का महीना आएगा, उस सावन के महीने में कम से कम 5 बेल मोगरे की लेके आऊंगा, कम ना से मेरे कम को बता रहा मोगरा ही हूँ। मोगरा रखो। मेरे को मोगरा लगाना है, एक इस कॉर्नर पे, यहाँ पे एक, उस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे एक, इस कॉर्नर पे, तीन तो हैं अपने पास में, तीन ही है ना, और 5 और 8 मोगरा की लेके आऊंगा। और फिर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ अगर कोई आदमी प्रवेश करेगा तो इतनी बढ़िया वाली खुशबू आएगी, बस पूछो ही मत। नहीं यार मेरे कैमरा खराब तो हो उसका शायद, क्योंकि धुंधलो दिख रहे हैं एकदम, अरे सच में या ठंडी फिर डायरेक्शन की वजह से हो चश्मा कौन जाए, लगा रखे तुमने। या भी सही है चश्मों को लगा रखो मैं। तो चलो अभी नहा धो लेते हैं, और नहा धो के चलते हैं अपने काम पे भाई। पहले राम राम कर दे बेटा, राम रूम में घर, राम राम कर दे सने। हाँ राम रूम में घर, फोटो बनावा तेरे। हाँ बोल के बोल, राम 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 बोल दे। राम यहाँ बोल, यहाँ राम राम बोल। नाम को नाम लगे, हाँ तो उठो एक बार, देख फोटो बनाओ मामू, देख फोटो, फोटो बनाओ, अब फोटो बनाओ हैं, देख। हाँ वर्दी है, हाँ देख चश्मा लगाऊंगा बात तेरे। देखो भाई, आज मतलब मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ, बाइक लगाई है, और लगाने के साथ ही आंधी स्टार्ट हो गई।
ये मेरा ही वेट कर रही थी कब घर पहुंचूं और कब चालू हुई। और आज मतलब मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में पहली बार बड़े होने के बाद बचपन में तो क्या पता पहनाया हो मम्मी पापा ने, लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ उसके बाद से मैंने मतलब मेरी याददाश्त में नीचे की पैंट तो वो खरीदी होगी, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है मतलब शर्ट टी शर्ट के नाम मतलब टॉप 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 का जो है उसका कपड़ा मैंने ब्लैक कलर का कभी नहीं खरीदा। और हमारे श्रीमती जी पीछे पड़ी हुई थी कई दिन से, काफी दिन से, ये ब्लैक टी शर्ट मंगाओ, ब्लैक टी शर्ट मंगाओ, बहुत अच्छी लगेगी आप पे, ऐसे है वैसे है। कलर सारा पहनना चाहिए ना, ये दुनिया रंगीन है, इस दुनिया के हर एक रंग कोई नहीं। और तो सब मेरे पास लगभग सब कलर के हैं, बस ब्लैक नहीं था क्योंकि ब्लैक मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बाकी आज इसने मंगवाई है, कोई बात नहीं पहनेंगे। और आज मतलब कल परसों कमेंट भी आए थे और वैसे हमारी भी बात हो रही थी तो मैंने इससे पूछा, अब वो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट के आए थे कि शर्मा जी अभी आपके बाल एक बार झड़ गए थे ना, तो बड़े मत रखना नहीं तो फिर से बाल झड़ेंगे। तो मैंने जब ये रेनू कह रही थी कि अब थोड़े दिन बाद में ना बस इस साइज से इसे थोड़े बहुत बड़े रखना ताकि दोबारा से नहीं गिरे, और तो फिर साइड में ये वाली कटिंग रखना। नहीं वो ठीक है रख लूंगा, लेकिन एक चीज बताओ मेरे, एक चीज समझ में नहीं आ रही, सब कहते हैं कि भाई बड़े बाल होते हैं तब बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजे होते हैं, लेकिन मेरे को ये बता दो एक भी औरत कोई गंजी हो तो बताना कमेंट करके। औरतों का बाल इतना लंबा हुआ है कि वे जड़े पीछे भी इतनी पतली चोटी हो जाए। नहीं औरत के नहीं झड़ते, क्यों नहीं झड़ते, कोई ना कोई इसके पीछे औरतों का बहुत जड़े है, तो जड़े है तो आदमिया का अगर जड़न लाग गया है जनाब गंजा हो जाए, आधा के उरस हो जा, आधा के उरस हो जाए, मतलब कहीं से ना कहीं से वो साफ होने लग जाते हैं। यह बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है, या तो आप सर्च करना नहीं तो फिर मेरे को कहीं 20-30 आदमियों में बैठ करके सर्च करके और पूछना जरूर पड़ेगा, लेकिन इसका जवाब ये कमेंट करके जरूर बताना भाई। बड़े बाल अगर मैं मानता हूँ ठीक है बड़े टूटते हैं सब कहते हैं, लेकिन अगर बड़े टूटते हैं तो फिर यार औरतों की क्यों नहीं टूटते बताओ, है कोई जवाब? मैं सोच रही थी इतना दिमाग लगाओ किसी यार आज मैं तुम बहुत क्यूट लग रहे हो ब्लैक टी शर्ट में, क्यूट में तो जन्मजात क्यूट हाई लगा क्या, सच में क्यूट लग रहे हैं टी शर्ट में। और पर रही गई इसकी कॉलर थी ऐसे यार, मैं देख रहा था अभी कांच में तो ऐसे कॉलर थी ना, तो मेरे को एकदम पतला पतला सा लगा कि ये तो सेम उसके जैसे ही हो गई जो बिना कॉलर वाली होती, तो फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया कि आजकल की फैशन भी हो गई, मॉडर्न भी हो गई। और वैसे मैं ना बड़ा वो आदमी हूँ, पहले एक दिन पहन के देखूंगा इसको सही लगेगी तो रखूंगा, नहीं तो मैंने ये अंदर डाल रखा है, इसको वापस भेज दूंगा मैं वो करने के लिए, क्या रिटर्न कर एक्सचेंज करने के लिए, बड़ा सोनी लग रही है। इस मामले में खतरनाक आदमी हूँ मैं कि अगर सेम या टी शर्ट शायद अरुण को नहीं दिया इन लोगों की, हाँ थी एक ऐसी मैंने पहननी थी क्या कुछ कंडीशन है कैसी लग रही है। और फिर अगर आज सही कमेंट आते हैं कि हाँ सही है शर्मा जी रख लो तो रखेंगे, नहीं तो फिर वापस इसको एक्सचेंज करके दूसरे कलर की मंगवाएंगे कोई। तो आज सुबह से बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि उधर वो जो चल रहा था हमारा जॉब अनुष्ठान, आज तो हमारी बिजी रहे, शाम में तो मेरे टेंशन ही होगी थी क्योंकि मौसम हो रहा एकदम खराब, और यह जोर की आंधी शुरू हुई ना उसी एक सेकंड पहले पहुंचा मैं ना फोन करके ना, और वही बात है तो फोन करके दुखी करने लग जा मेरे। आज पहली बार मतलब हम उधर से आए थे समझ लो बसावता से, ठीक है हाँ बसावता, हाँ बसावता से, तो मतलब अनुष्ठान यहाँ था, यहाँ से फिर कोई काम गए थे बसावता, वहाँ से रिटर्न वापसी आ रहे थे, तो मैंने मौसम को देखा कि यहाँ बरसात आने वाले, भाई बाइक सूटम सूट मन्ना बगाया करो सूटम सूट सुनो, गुरु जी आगे आकर के कह रहे मेरे को, बोले बोले यार कर क्या रहा तू, बाइक चला रहा है कि उड़ा रहा है इसको, वहां बोला गुरु जी सुनो
फिर मैं बोलो गुरुजी यार एक ये कारण भी होता है कि मैंने इस बाइक को कितनी चलाई है और मतलब ये इस तरीके से हाथ लगी हुई कि मेरे को ये पता कि यहाँ कौन सी सेकंड कहाँ से निकल सकती है और कितनी चलती है ये, वो तो फिर धीरे धीरे चलने में भी हो जाएगा ठीक है। तो लास्ट में बोला गुरुजी मैं आ जाऊँ भी जाऊँ तो बोला यार गला तो हाथ को ना बीजा तो नहीं बोलो बीजा तो जद भी का जब एक्सीडेंट हो गए मर जाऊंगा जद भी नुआए तो गा बीजा तो गा तो साथ है मैं बीज ले मेरा भाई आराम से चल आराम से चल गुरु। और फिर सबसे मेन कारण के है कि बीच में दो ब्रेकर आया तो ब्रेकर पर ज्यादा डाउन कौन करी और मेरी वाली बाइक के जा रहे हैं सोकर सोकर जा रहे हैं सोकर होना तो बाइक ऐसे जंप कर देती है और मेरी वाली उठा के बाद दम लगा गई एकदम से इसलिए वो परेशान हो गए मेरे है। तो चलो आ जाए आई आपके आज का वीडियो यहीं पे कर देते हैं और मेरा हाथ है ना आप क्या सच में लो मैं पकड़ लूं लो बोलो देखो टी-शर्ट कैसी लगी और बस आज का वीडियो यहीं पे मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ बाय। और भाई आप वीडियो वीडियो से देख लिया करो जो का देखो हो चुका बाय लव यू ऑल सब यूट्यूबर बोली मैं आज भी सोची मैं भी बोल के देखूं ठीक है लव यू ऑल और क्या बोला अभी टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ये दो काम जरूर करना जिन्होंने नहीं किया है मेरी बिंदी पड़ेगी यार कब पड़ेगी नहीं देखिए तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक जरूर करियो भाई याद से कमेंट भी करियो तार शर्मा जी रिप्लाई कर रहे हैं हर एक चीज को बाय।